सो है गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल, इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम दो क्वेश्चंस की बात करेंगे, दैट इज गैंग्रीन एंड कैल्सिफिकेशन। ओके तो और पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की बात करेंगे, नॉट फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल कैल्सिफिकेशन की, दैट इज पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। तो पहले हम गैंग्रीन के बारे में समझते हैं। तो हमने गैंग्रीन ना पहले वीडियोज़ में भी देख रखा था, याद कीजिए, मैंने नेक्रोसिस में आपको पढ़ाया था, दैट इज गैंग्रीन नेक्रोसिस। तो उसमें क्या हो रहा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस भी हो रहा था एंड कोगुलेटिव में। फर्स्ट इट वाज शोइंग कोगुलेटिव टाइप एंड फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको सुपर इम्पोज करेगा देन इट विल शो द लिक्विड एक्टिव प्रोसेस ऑल्सो। सो कंजेक्टिवली हो रहा था तो उसको हम क्या बोलते, दैट इज वेट गैंग्रीन। तो इधर गैंग्रीन डिटेल में देखते हैं कि गैंग्रीन इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपर एडेड पुट्रीफेक्शन। ओके, अब ये पुट्रीफेक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज पुट्रीफेक्शन मीन्स, तो पुट्रीफेक्शन का मतलब होता है दैट इज प्रोसेस ऑफ डीकेइंग या फिर रॉट करना कोई भी चीज को। ओके, तो पुट्रीफेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज रॉटिंग एंड डीकेइंग जो उसके साथ होगा, ठीक है, मतलब डीके डेथ के बाद डीकेइंग एंड जो रॉटिंग होगा, दैट इज कंबाइनली नोन एज गैंग्रीन। ओके, तो गैंग्रीन तीन टाइप के बेसिकली इधर पे क्लासिफिकेशन है, दैट इज द ड्राई, वेट एंड गैस। तो हम एक के बाद एक देखेंगे। तो ड्राई में क्या है, दैट इज इट कॉमनली अकर्स इन लिम्स, इट इज ड्यू टू इस्चेमिया, ऑर्गन इज ड्राई, श्रंकन एंड ब्लैक एंड लिमिटेड पुट्रीफेक्शन होगा एंड लाइन ऑफ डिमार्केशन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ओके, वेट में क्या होगा, कॉमनली अकर्स इन बाउल। ओके, मोस्ट ऑफन मतलब इंटेस्टाइनल पार्ट में होगा, मोस्ट ऑफन ड्यू टू द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल्सो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द एट्रियल सप्लाई। ओके, मोस्ट ऑफन स्वॉलन एंड डार्क ऑर्गन हो जाएगा, मार्क्ड पुट्रीफेक्शन होगा एंड नो लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड नो प्रॉपर प्रोग्नोसिस। ओके, तो ड्राई एंड वेट में एक डिफरेंस हमको नजर में आ रहा है, दैट इज उसमें ऑर्गन इज ड्राई, श्रंकन एंड ब्लैक, इसमें मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड स्वॉलन एंड डार्क इन कलर, एंड इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन थी एंड वेट में नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, उसमें लिमिटेड पुट्रीफेक्शन था, इसमें मार्क्ड पुट्रीफेक्शन, मतलब ढंग से हमको पुट्रीफेक्शन दिखेगा। गैस में क्या है, इट इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ गैंग्रीन कॉज बाय गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दैट इज नॉर्मली दैट इज क्लोस्ट्रीडिया वेलचाय। ओके, तो पुट्रीफेक्शन में भी हम देखेंगे, दैट इज FM में भी देखेंगे हम एंड हम माइक्रोबायो में भी देखेंगे। तो ये आप याद रखें, दैट इज क्लोस्ट्रीडिया वेलचाय। तो मतलब डिकम्पोजिशन या पुट्रीफेक्शन का कुछ भी होता है तो नॉर्मली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे पहले आता है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर, ठीक है, दैट आर द सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफन सीन इन कंटामिनेटेड वाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ कोलन, इफेक्टेड एरिया इज स्वॉलन, एडिमेटिस, पेनफुल। ओके, एंड लेटर एरिया बिकम्स डार्क एंड फाउल स्मेलिंग। ओके, तो मतलब कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाउंड्स हो या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो कोलन का, तो एरिया उसका क्या हो जाता है, इडिमा कॉज कर देता है एंड स्वॉलन हो जाता है एंड पेनफुल होता है एंड एरिया बिकम्स डार्क एंड फाउल स्मेलिंग। ओके, वेट गैंग्रीन ऑफ लिम, मैंने वेट गैंग्रीन नेक्रोसिस में बात की, एक और बार इधर पे बात कर ले, दैट इज इट अकर्स इन डायबिटीज, हाई कंटेंट ऑफ शुगर इन टिश्यू फेवर्स इन्फेक्शन। ओके, मतलब शुगर कंटेंट हाई होगा तो इतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। द टिश्यू इज ब्लैक, रोटन, पल्पी एंड फाउल स्मेल, एज द बैक्टीरिया डिकम्पोजिस द टिश्यू में टर्न ब्लू और ग्रीन। ओके, तो वेट गैंग्रीन ऑफ लिम्स में क्या हो रहा था, दैट इज टिश्यू इज ब्लैक, रोटन, पल्पी एंड फाउल स्मेल कम्स, एज बैक्टीरिया डिकम्पोजिस द टिश्यू में टर्न ब्लू और ग्रीन। मतलब पहले से तो गैंग्रीन था ही, मतलब मैंने उस बार भी समझाया था कि कॉगुलेटिव नेक्रोसिस हो ही रहा था टिश्यू का, बट अगर बैक्टीरिया सुपर इम्पोज कर जाएगा देन द टिश्यू में टर्न ब्लू और ग्रीन। ओके, तो मेनली ड्राई, वेट, गैस, हम गैंग्रीन हमको याद रखना है, स्पेशल केस इज द वेट गैंग्रीन ऑफ लिम्स, वो हमको याद रखना है, ऑल्सो नोन एज गैंग्रीन नेक्रोसिस। ओके, कैल्सिफिकेशन की बात करते हैं अब हम पैथोलॉजी की नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकली की बात नहीं करेंगे। तो पैथोलॉजिकल में इट इज अ एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन्स, सॉल्ट्स टुगेदर विद स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आयन, मैग्नीशियम एंड अनदर मिनरल सॉल्ट्स, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब दो टाइप के कैल्सिफिकेशन है, दैट इज द
डिस्ट्रॉफिक एंड द मेटास्टेटिक. ओके, तो डिस्ट्रॉफिक में क्या होता है, तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि कहाँ होगा. लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और कहाँ मेटास्टेटिक होता है. तो डिस्ट्रॉफिक डी से है एंड डेड भी डी से ही है एंड डिजेनरेट टिश्यू भी डी से ही है. तो एवरीथिंग मैचेस विद डी. ओके, सो अकर्स लोकली इन डेड एंड डिजेनरेटेड टिश्यू. ओके, नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम, मतलब डेड एंड टिश्यू में क्या होगा कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा, सीरम लेवल चेंज भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, तो नॉर्मल लेवल सीरम लेवल एंड एब्सेंस ऑफ डी अरेंजमेंट इन द कैल्शियम, मतलब मेटाबॉलिज्म में भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड नॉर्मल सीरम लेवल रहेगा. ओके, ठीक है. तो डेड टिश्यूज किसकी वजह से होंगे, दैट इज नेक्रोसिस हो गए या फिर इन्फार्क्ट होगा, थ्रोम्बस होगा, हिमेटोमास होगा, डेड पैरासाइट्स उसमें डेड टिश्यूज हो जाएंगे. एंड जो डिजेनरेटेड टिश्यूज है दैट इज डेंस ओल्ड स्कार्स, एरिथोमास, ट्रोमा ऑफ ट्यूमर्स, मॉन्केबर्ग स्क्लेरोसिस, सिस्ट वॉल्स एंड इन ओल्ड एज. तो उधर डिजेनरेटेड टिश्यूज होंगे. ओके, डेड एंड डिजेनरेटेड टिश्यूज के साइट भी याद होने चाहिए थोड़े थोड़े. तो डेड टिश्यू में नेक्रोसिस एंड इन्फार्क्ट या फिर थ्रोम्बा, एंड डिजेनरेटेड में इन ओल्ड एज सिस्ट वॉल्स या फिर एथेरोमास एंड डेड ओल्ड स्कार्स. एंड मेटास्टेटिक कहाँ होगा, दैट इज डिपोजिशन इन नॉर्मल टिश्यूज. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सीरम कैल्शियम लेवल तो नॉर्मल है ही, तो उसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म एंड बोन डैमेज. ओके, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम में भी डिस्टर्बेंस होगा. अब कॉजेज क्या क्या होंगे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के. ठीक है, तो दोनों के कॉजेज भी पूछ लिया जाता है या पैथोजेनेसिस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो कैल्सिफिकेशन एज अ होल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, सो इट्स इंपॉर्टेंट. तो फोर प्राइमरी कॉजेज होते हैं इसके. ठीक है, तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजिंग बोन रिजॉर्प्शन. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन दैट इज इंक्रीज इन पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजिंग बोन रिजॉर्प्शन. अब हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो मैंने आपको बोला कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कॉजिंग बोन रिजॉर्प्शन. अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा था दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते थे. तो पैराथायरॉयड हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या था कि बोन रिजॉर्प्शन करवा रहा था. ठीक है, तो बोन रिजॉर्प्शन करके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था. और जो कैल्सिटोनिन है वो क्या कर रहा था, ब्लड का कैल्शियम लेवल लो करके जो बोन था उसका कैल्सिफिकेशन कर रहा था. तो इधर पे फर्स्ट कॉज दैट इज इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजिंग बोन रिजॉर्प्शन. तो प्राइमरी में दैट इज एडिनोमास एंड सेकेंडरी इज द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. सेकेंड रीजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो इन ट्यूमर्स लाइक माइलोमा, ल्यूकेमिया एंड अदर ट्यूमर्स. ओके, थर्ड इज द विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर एंड फोर्थ इज द रीनल फेलियर. तो चार प्राइमरी कॉजेज, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन का बढ़ जाना, फिर डिस्ट्रक्शन इन बोन ट्यूमर्स लाइक माइलोमा, ल्यूकेमिया एंड अदर ट्यूमर्स, विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड रीनल फेलियर. ठीक है, फिर सेकेंड है अकर्स थ्रू आउट द बॉडी बट फेवर्स टिश्यू दैट एक्सक्रीट एसिड फेवरिंग कैल्शियम डिपोजिशन. मतलब उनमें होगा कि जहाँ एसिड निकल रहा है, तो एसिड निकलने की वजह से तो कैल्शियम डिपोजिशन को फेवर करेगा, तो उसकी वजह से वो टिश्यूज में वो ज़्यादा होगा. ओके, अब आ जाते हैं दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. दिस प्रोसेस कैन अकर इन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर, दैट इज द टू स्टेप प्रोसेस. फाइनल आउटकम इज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन कैल्शियम फॉस्फेट. तो ये साइकिल सी मैंने आपको ड्रॉ करके इधर पे दिखा रखी है. दैट इज इनिशिएशन में क्या होगा, कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया कंबाइंस विद द फॉस्फोलिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसके वजह से दो फॉस्फेट आयन इन मेम्ब्रेन जनरेट फॉस्फेट ग्रुप, उसके वजह से कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंबाइन हो जाएंगे एंड कैल्शियम सॉल्ट्स हो जाएंगे और वो डिपोजिट हो जाएंगे. ठीक है, एंड जो इनिशिएशन होगा तो वो क्या करेगा, प्रोपगेशन द साइकिल रिपीट्स, मोर एंड मोर कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्स एंड माइक्रो क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड दैट्स लीड टू कैल्सिफिकेशन. ठीक है, तो पहले तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कंबाइन हुआ, फिर प्रोपगेशन हुआ, फिर मोर एंड मोर कैल्शियम फॉस्फेट बने एंड फिर माइक्रो क्रिस्टल ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड दैट विल लीड टू द कैल्सिफिकेशन. एंड दिस हैपन्स इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जहाँ पे टिश्यूज डेड है एंड डिजेनरेटिव है. अब हम देख लेते हैं दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, जो लिविंग टिश्यूज में हो रहा है. तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इसमें क्या है कि नॉर्मल से भी ज़्यादा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम में भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं. तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल क्रिएट्स एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन्स विथ
कैल्शियम आयंस, ठीक है, तो इंक्रीज कैल्शियम लर्न उसकी वजह से क्या होगा, पी ओ फोर आयन से कैल्शियम आयन बाइंड कर देंगे एंड उसकी वजह से क्या होगा, पेरेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विल अकर, ओके, तो उसकी वजह से पेरेसिपिटेशन हो जाएंगे, सॉल्ट्स बन जाएंगे एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इन द टिश्यूज, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन दैट इज मैक्रोस्कोपी में कैन वेरी इन साइज, वाइट ग्रेन्यूल्स में भी ग्रीटी मतलब ग्रेन्यूल्स टाइप होंगे, माइक्रोस्कोपी में हम देख पाएंगे दैट इज ग्रेन्यूलर बेसोफिलिक एमॉर्फस प्रेजेंट इन लम्स मे बी इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम आयंस और बोथ इन एच एन ई स्टेन्स, मतलब इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकता है एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं एंड बोथ एच एन ई स्टेन्स एंड सोमा बॉडीज दैट इज द कंसेंट्रिक लेमिनेशन ऑफ द कैल्शियम डिपॉजिशन, मतलब ये मैंने बस एक रफ डायग्राम बनाया है इधर पे छोटा सा, जो सर्कल के अंदर जो कंसेंट्रिक लेमिनेशन है दैट इज द कैल्शियम डिपॉजिशन, ओके, दैट इज ऑल अबाउट द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड बस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।